स्टूडेंट्स, आज की मैं अपनी इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि 11th क्लास के अंदर जो फिजिक्स की प्रैक्टिकल फाइल है उसमें आपको कौन कौन से प्रैक्टिकल्स लिखने हैं। इस साल आपके फिजिक्स के प्रैक्टिकल का पैटर्न कैसे चेंज हुआ है। सो डियर स्टूडेंट, फर्स्टली जो आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो 30 मार्क्स का होता है। सो आपके मेरे इस पिक के नीचे आप ये देखें, एक टेबल है जिसके अंदर आपका कंप्लीट 30 मार्क्स को कैसे डिवाइड किया गया है वो लिखा गया है। जैसे नंबर वन, आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होगा, प्रैक्टिकल की बात कर रही हूँ मैं, तो आपको दो प्रैक्टिकल्स लिखने होंगे बेटा। दो प्रैक्टिकल में से एक प्रैक्टिकल आपका 8 मार्क्स का होगा, दूसरा भी आपका 8 मार्क्स का होगा। जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड आप बनाएंगे, यस, कई बच्चों को डाउट था और कई बच्चों ने मुझे पर्सनली फ़ोन भी किया कि मैम प्रैक्टिकल अब की बार कितने लिखने हैं। यस, तो अभी उसके बारे में डाउट है कि 10 है, 15 है, 12 है। सो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ, आपके दो सेक्शन होते हैं प्यारे बच्चों, दो सेक्शन में से आपको 8 प्रैक्टिकल करने हैं। अब एक सेक्शन से आप कोई भी 4 प्रैक्टिकल कर सकते हो, ऐसे ही दूसरे सेक्शन से भी आप 4 प्रैक्टिकल कर सकते हो। तो दोनों का कंबाइंड, ऐसा नहीं करना कि एक से आपने 8 कर लिए और एक से आपने एक भी नहीं किया या एक से आपने 5 किया, ऐसा नहीं है बिल्कुल। आपका मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाती हूँ। आप जो इसकी कंडीशंस हैं, जो बोर्ड एग्जाम में जो आपका फाइनल जो पेपर होने वाला है उसमें जो प्रैक्टिकल के लिए लिखा गया है, आप देखें, रिकॉर्ड ऑफ एटलीस्ट 8 जो आपके एक्सपेरिमेंट्स हैं, 4 फ्रॉम ईच सेक्शन, वो आपको करना है। साथ ही रिकॉर्ड ऑफ एटलीस्ट 6 एक्टिविटीज़, वो आपको जो भी टीचर आपका डेमोन्स्ट्रेट करे। अभी बात है क्योंकि लॉकडाउन है और कोई भी स्कूल ओपन नहीं है क्योंकि आप घर से कर रहे हैं, सो मेरी रिक्वेस्ट है आप जहाँ से भी अपने प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म कर रहे हैं, वेरी गुड, लेकिन मैं आपको एज अ टीचर एक सजेशन देना चाहती हूँ। एक ओलैब अपनी साइट है जिसके ऊपर 9th से लेकर 12th क्लास तक के जितने भी एक्सपेरिमेंट आपके हैं वो सारे बड़े अच्छे से करके दिखाए गए हैं। वहाँ से दो बेनिफिट हैं आपको। नंबर वन, एक तो आप उसको 3D के अंदर देख सकते हो, मीन्स उसमें एक वीडियो डाला गया है YouTube का जो बड़ा ही शानदार है, जिसके अंदर एक टीचर क्लास में कैसे परफॉर्म करता अगर आप स्कूल में होते तो बिल्कुल वैसा डिटेल में दिखाया गया है। सेकेंडली, उसमें एक स्टिमुलेटर पार्ट होता है, तो जिन बच्चों के पास लैपटॉप है, पर्सनल कंप्यूटर है, वो उसको ईजिली कर पाते हैं जो स्टिमुलेटर पार्ट होता है उसमें। जैसे सपोज आप लैब में अगर खुद होते तो कैसे परफॉर्म करते प्रैक्टिकल को, तो उसमें वो दिखाया गया है। साथ ही बच्चों को प्रिपरेशन के लिए वाइवा के क्वेश्चन भी दिए गए हैं, किसी में 10 है, किसी में 12, किसी में 15 भी हैं, राइट। सो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ओलैब पे जाके 9th क्लास से लेके 12th क्लास तक के, आपके क्या पता छोटे बहन भाई हों, आसपास में हों, कोई रिलेटिव्स हों, आप उनको भी सजेशन दे सकते हैं कि वो वहाँ से प्रैक्टिकल कर सकते हैं। सो आई थिंक आपको क्लियर है कि प्रैक्टिकल फाइल जो 7 मार्क्स की है आपकी, उसमें आपको 8 प्रैक्टिकल्स लिखने हैं, 4 फ्रॉम ईच सेक्शन, एंड आपको 6 एक्टिविटीज़ लिखनी है, 3 फ्रॉम ईच सेक्शन, राइट। सो अभी हम आगे चलते हैं। अब आपकी बात करते हैं वाइवा की। वाइवा ऑन एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटीज़ या थ्योरी पे भी पूछा जाता है, वो भी आपका 7 मार्क्स है। सो 8 + 7 + 7 टोटल आपके हैं 30 मार्क्स। अब किस सेक्शन में कौन कौन से प्रैक्टिकल है वो आप देखें। जैसे सेक्शन 1 में आपका वर्नियर कैलिपर का है, आपका नंबर 2 पे स्क्रू गेज का, और स्क्रू गेज में 2 दे रखे हैं, तो इन दोनों में से कोई भी आप एक कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। स्फेरियोमीटर है, बीम बैलेंस है, पैरेललोग्राम, लाव वेक्टर है आपका, आपका सिंपल पेंडुलम का है, 2 आपके दे रखे हैं, दोनों में से 6 में आप दोनों में से कोई भी एक परफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद आपका यहाँ पे कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने वाला है, और लास्ट में आपका 7th में और में इंक्लाइन प्लेन का भी है, मीन 7th वाले में से भी आपके पास इंटरनल चॉइस है कि इन दोनों में से भी कोई आप कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ओलैब पे सारा लिखने का प्रोसीजर है, तो इनमें से जो भी आपको ठीक लगे आप 4 प्रैक्टिकल फाइल अपनी प्रैक्टिकल बुकलेट में, अपनी प्रैक्टिकल फाइल में आप लिखें, राइट। ऐसे ही नीचे एक्टिविटीज़ हैं 7, आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके इनके नेम्स को, इन एम्स को उतार सकते हैं और आप परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे नेक्स्ट प्यारे बच्चों, आपका जो सेक्शन बी है उसमें भी आपके कुछ हेलिकल स्प्रिंग के हैं, आपका कैपिलरी राइज से रिलेटेड है, स्फेरिकल जो आपकी बॉडी है, मीन्स टर्मिनल वेलोसिटी जो आपकी 7th यूनिट में आती है उससे रिलेटेड है आपका, स्पेसिफिक हीट का है आपका, कांस्टेंट टेंशन है सोनोमीटर के आपके पास है, 2 प्रैक्टिकल उनमें से कोई एक कर सकते हैं, और लास्ट में रेजोनेंस अपरेटस वाला है। तो अगेन यहाँ पे भी आपके 7 हैं विथ सम इंटरनल चॉइसेस। तो इस सेक्शन से भी आप कोई भी 4 जो आपको ठीक लगे, ओलैब से आपको ईजी लगे और जिनकी रीडिंग आप इजिली लिख पाएँ, वो आप प्रैक्टिकल फाइल में लिख सकते हैं।
और नीचे ऐसे ही इसकी एक्टिविटी भी आपको गिवन है, 7 एक्टिविटी में से कोई भी 3 एक्टिविटी आपको लिखनी है। सो आई होप आपको ये जो चीज़ मैंने अभी आपसे शेयर की है ये आपको क्लियर है। फिर भी मेरी रिक्वेस्ट है, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है और मुझसे क्वेश्चन कर सकता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बच्चों।